हेलो गाइस वेलकम बैक टू लर्निंग हम है अपने बेसिक सीरीज में और बात कर चुके हैं ऑलरेडी अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी टिल द स्टमक एंड द गैस्ट्रिक ग्लैंड हम रास्ते में बात कर चुके हैं अबाउट द माउथ द ग्लैंड इन द माउथ दैट इज यस देन अबाउट देश सो बिफोर मूविंग ऑन इफ यू हैव नॉट आउट दैट वीडियो आई रिकमेंड कि आप वो वीडियो देख ले ताकि आगे का पोर्शन आपको थोड़ा इजिली समझ है आज का वीडियो इज द पार्ट टू ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आज हम बात करना स्टार्ट करेंगे अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है वेल well, ये स्मॉल इंटेस्टाइन द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम है कितना लंबा होता होगा ये गैस यू थिंक अबाउट और मीटर्स बट इन फैक्ट दिस इज अराउंड मीटर्स लॉन्ग छ मीटर लंबा हो सकता है ये ये इतना लंबा है इसका कोई रीजन तो डेफिनेटली होता होगा इसका रीजन ये है कि जो भी खाना स्टमक से आ रहा है हमने देखा स्टमक में कोई ऐसे एंजाइम्स नहीं थे जो खाने को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर सके तो जो पूरा ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है वो एक्चुअली कहाँ हो रहा है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में तो जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ये हेल्प करती है कि फूड इजिली ब्रेक डाउन हो जाए फूड ज्यादा समय तक उन एंजाइम्स के साथ रह पाए ताकि उसका ब्रेक डाउन क्या हो ईजिली हो सके इफेक्टिवली हो सके नाउ इन वी टॉक अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन हम देखते हैं कि इसके थ्री पार्ट होते हैं कौन से तीन पार्ट होते हैं नंबर वन इसका फर्स्ट पार्ट जो कि लिंक्ड होता है विद स्टमक वो होता है डुओडेनम इसे कहते हैं डुओडेनम सेकेंड पार्ट होता है आपका जेजुनम और तीसरा पार्ट होता है आपका इलियम हम एक डायग्राम में अब देखने वाले हैं इन तीनों पार्ट्स की लोकेशन और इनके फंक्शन अभी आप देख सकते हैं इस पार्ट को हम कहते हैं डुओडेनम। ये डुओडेनम लिंक्ड है स्टमक से इसके बाद आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन इसे कहते हैं जेजुनम और ये मिडिल पोर्शन है देखिए डुओडेनम और इलियम के बीच में है और लास्ट पोर्शन जो आप देख रहे हैं उसे कहते हैं इलियम ये इलियम आप देखेंगे लिंक्ड है लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ पे और इस पोर्शन को हम कहते हैं सीकम सो so ये तीन पोर्शन हो गए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के तो अब जब हम स्ट्रक्चर समझ चुके हैं तो हम ये भी जान चुके हैं कि इंटेस्टाइन में फूड ब्रेक डाउन हो रहा है ये ब्रेकडाउन हमारे बॉडी में कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स अब ये एंजाइम्स कहाँ से आएंगी डेफिनेटली ग्लैंड से आएंगी कहाँ कहाँ से ये एंजाइम्स आ रहे हैं सबसे पहले आपका आता है अपने इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट ग्लैंड्स हैं, उनसे कुछ एंजाइम्स आपके इंटेस्टाइन के अंदर आती है सेकेंड आपके पैनक्रियास भी कुछ जूसेस एंजाइम आपके इंटेस्टाइन के अंदर डालते हैं थर्ड बाइल नाम का एक ग्लैंड भी होता है जिसके सिक्रीशन आपके इंटेस्टाइन में आते हैं आइए एक एक करके इन सबकी बात करते हैं और शुरुआत करते हैं उन एंजाइम्स उन चीजों की जो कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन खुद बनाए आप देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में दो तरह के ग्लैंड मेजरली मिलते हैं कौन से ये दो तरीके के ग्लैंड है सबसे पहले ग्लैंड को कहा जाता है ब्रनर्स ग्लैंड ब्रनर्स ग्लैंड ये ब्रनर्स ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं ये सिक्रीट करते हैं काफी सारा वॉटरी फ्लूड पानी जैसा बहुत ही पतला फ्लूड इसके अलावा ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस और म्यूकस के अलावा थोड़ा सा ये एंजाइम। वेरी लेस एंजाइम ये सिक्रीट करते क्या फ़ायदा इस वाटरी फ्लूड का ये वाटरी फ्लूड का जो पीएच होता है ये बहुत ही बेसिक होता है इसका पीएच होता है अराउंड सेवन पॉइंट एट आप जानते होंगे कि सेवन से नीचे के पीएच को कहा जाता है एसिडिक और सेवन से ऊपर के पीएच को कहा जाता है बेसिक तो यहाँ पे आपके एसिड्स हो गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह और इस साइड आपके बेसिस हो गए जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह तो आप देखेंगे सेवन पॉइंट एट क्या है बेसिक इसे एल्कलाइन पी कहा जाता है एल्कलाइन पीएच क्यों जरूरत है इस एल्कलाइन पीएच की स्टमक की जब हम वीडियो पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था स्टमक में एक बहुत पावरफुल एसिड होता है उसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर जो खाना होता है उसके पीएच को बहुत ज्यादा एसिडिक कर देता है कितना कर देता है अराउंड 1.8 से दो तक का पीएच ये हो सकता है. इतने एसेडिक खाने को अगर हम डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में डालेंगे क्या होगा इतना तो यहां है नहीं पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन इमीडिएटली जल जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा जैसे ही खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया ये सारे सिक्रेशन क्या करेंगे फटाफट उसका पीएच इंक्रीज करेंगे पीएच इंक्रीज करने से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जलेगा नहीं उस एसिड से डैमेज नहीं होगा तो अगर आप लॉजिकली समझेंगे तो इन ग्लैंड की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए उस पार्ट में जो कि स्टमक से जुड़ा हुआ है देयरफॉर ये वाले ग्लैंड्स मिलते हैं डुओडेनम रीजन में डुओडेनम रीजन हम देख चुके हैं वो रीजन है जो कि लिंक्ड है आपके स्टमक से नाउ द सेकंड काइंड ऑफ ग्लैंड्स जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं इन्हें कहा जाता है क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन क्या है ये क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन ये वो एक्चुअली ग्लैंड है स्मॉल इंटेस्टाइन के जो कि मेजरली एंजाइम्स को रिलीज करते हैं अब आप बोलेंगे कि एंजाइम्स के स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या जरूरत है इन हार्मोन्स के स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या जरूरत है सबसे पहले ये रिलीज करता है एक एंजाइम जिसे कहते हैं लाइसोजाइम ये लाइसोजाइम क्या करता है ये लाइसोजाइम किल करता है बैक्टीरिया को हमने देखा था कि जब हम सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन देख रहे थे सलाइवा में क्या होता था लाइसोजाइम वो क्या करता था वो बैक्टीरिया को सलाइवा में मुंह में ही किल कर देता था तो आपके पेट में बैक्टीरिया जाने के चांसेस कम हो गए सिमिलरली एक सेकेंड लेयर भी है मतलब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी लाइसोजाइम है ताकि कोई भी बैक्टीरिया डायरेक्टली आपके ब्लड तक ना पहुंचे इसके अलावा ये सिक्रीट करते हैं सेरोटोनिन नाम का एक कंपाउंड ये सेरोटोनिन क्या करता है इंटेस्टाइन में कुछ मूवमेंट्स क्रिएट करता है हमने देखा है पेरीस्टाइलसिस क्या है वही पेरीस्टाइल्ट मूवमेंट्स ये क्रिएट करता है इस पेरीस्टाइलसिस के कारण क्या होता है इंटेस्टाइन में खाना मिक्स हो पाता है सो दिस अलाउज मिक्सिंग ऑफ फूड खाना मिक्स होगा किस चीज के साथ एंजाइम्स के साथ और एंजाइम्स के साथ जब मिक्स होगा तो खाने का ब्रेक डाउन एफिशियंटली एक बेटर मैनर में हो पाएगा नेक्स्ट अब बात करते हैं पैनक्रियास की जब हम बात करते हैं पैनक्रियास की तो पैनक्रियास वर्ड सुनते हैं सबसे कॉमनली आस्ट क्वेश्चन है कि पैनक्रियास को एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं हेटेरोक्राइन क्या होता है आपने जरूर दो वर्ड्स सुने होंगे एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन एक जो कि दोनों ही होगा मतलब और कोई एग्जोक्राइन फंक्शन भी होगा क्या होता है ये एंडोक्राइन और एग्जोक्राइन फंक्शन एंडोक्राइन फंक्शन मतलब पैनक्रिया जो पैनक्रियास जो भी हारमोन रिलीज करेगी वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाएगा सो एंडोक्राइन फंक्शन में पैनक्रियाज रिलीज करेगा हॉर्मोन और ये हॉर्मोन कहा जाएगा डायरेक्टली इंटू ब्लड ब्लड के अंदर डायरेक्टली जाएगा और बॉडी के किसी और फंक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा एग्जाम्पल लेते हैं पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है इंसुलिन हम सब जानते हैं उसका फंक्शन होता है जब हमारा ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है इंसुलिन क्या करता है शुगर लेवल को कम करने की कोशिश करता है सो इंसुलिन रिड्यूसेस ब्लड शुगर इसके अलावा पैंक्रियाज रिलीज करता है एक और हार्मोन जिसे कहते हैं ग्लूकागोन ग्लूकागोन जो है वो ऑपोजिट ऑफ इंसुलिन है इसका क्या मतलब हुआ इंसुलिन अगर ब्लड शुगर लेवल घटाता है और कभी बॉडी को लगता है अरे ब्लड शुगर बहुत कम हो गया है तो क्या होगा ये ग्लूकागोन क्या करेगा ब्लड में शुगर ग्लूकोज को रिलीज करेगा इससे आपको चक्कर आना बंद हो जाएगा सो so, ग्लूकागोन क्या है इंसुलिन का ऑपोजिट है इसके अलावा इंटेस्टाइन एक और हार्मोन भी रिलीज करती है पैनक्रियाजम सो तो सॉरी पैनक्रियाज इसे कहते हैं सोमैटोस्टैटिन ये सोमैटोस्टैटिन क्या करता है ग्रोथ में ओवरऑल हेल्प करता पर हम यहाँ पे पैनक्रियास के एंडोक्राइन फंक्शन से बिल्कुल ही कंसर्न नहीं है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है हम कंसर्न है पैनक्रियास के एक्सोक्राइन फंक्शन से एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होता है पैनक्रियास जो जूसेस हैं वो रिलीज ब्लड में नहीं करेगी कहाँ करेगी हम जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में तो जब कोई सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में ना जाके कहीं और जा रहा हो उसे कहते हैं एक एक्सोक्राइन फंक्शन तो आइए देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आखिर पैनक्रियास क्या क्या पोर कर रहा है मतलब पैनक्रियास कौन कौन से जूसेस कर रहा है तो पैनक्रियाटिक जूसेस में क्या क्या होता है देखिए इन नामों से घबराना नहीं है हमें एक एक करके समझने की कोशिश करनी है और सिंपल फंक्शन देखेंगे हमें इस लेवल पे हमें सीरीज में बहुत डिटेल कॉम्प्लिकेटेड चीजों की तो बात कर ही नहीं कर रहे उन्हीं की बात कर रहे हैं जो सिंपल है और कॉम्पिटेटिव परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट भी है ये पैनक्रियाटिक जूसेस कंसिडर कंटेन करते हैं ट्रिप्सिनोजन काइमो ट्रिप्सिनोजन प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज अब ये तीन एंजाइम्स को पहले देखते हैं ये तीनों एंजाइम्स क्या करती हैं प्रोटीन का ब्रेकडाउन करती हैं पर इन तीनों में एक बात है अभी ट्रिप्सिनोजिन कायमोट्रिप्सिनोजिन और प्रो कार्बोक्सी ये तीनों वर्ड्स इंडिकेट करते हैं कि है। है? ये एंजाइम्स अभी पैनक्रियास के अंदर की पूरी वॉल को उसके अंदर के सारे प्रोटीन्स को तोड़ना स्टार्ट कर देंगी तो इनको कब एक्टिवेट होना चाहिए जब ये कब आ जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में आए जब पैनक्रियास इसको पोर कर दे स्मॉल इंटेस्टाइन में और जब ये खाने से मिक्स हो तब इनको एक्टिवेट होना चाहिए तो बॉडी ने ये कैसे इंश्योर किया है ये ऐसे इंश्योर किया है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक ऐसा एंजाइम होता है जिसे कहते हैं एंटीरोकाइनीज एंटीरोकाइनीज ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जूसेस होते हैं ना उसी में ये प्रेजेंट होता है अब ये क्या करेगा सबसे पहले ये ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करके बना देगा ट्रिप्सिन तो ये एक्टिवेट करके ट्रिप्सिनोजन को बना देगा ट्रिप्सिन अब जब ये ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गई ना तो ये बाकी एंजाइम्स को क्या करती जाएगी फटाफट एक्टिवेट होती जाएगी तो अब काइमोट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में ट्रिप्सिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोकार्बोक्सी कार्बोक्सी पेप्टेडेज में कन्वर्ट हो जाएगा सो so, इस तरीके से हमने क्या इंश्योर किया कि जब तक इंटेस्टाइन में ये सारे जूसेस ना आए ये एंजाइम्स एक्टिवेट ना हो आपकी पैनक्रियाज को डैमेज ना करे किसी और ऑर्गन को डैमेज ना करे रादर सिर्फ फूड के ब्रेकडाउन में असिस्ट करे ठीक है ना इसका एक और तरीका है कि ये हमेशा एक एल्कलाइन पीएच में काम करती है तो ये क्या इंश्योर करेगा कि जब स्टमक से आने वाला खाना एल्कलाइन हो गया है तभी ये एक्टिवेट हो ठीक है बढ़िया अब ये करती क्या है मैंने बताया ये तीनों एंजाइम्स क्या करती है फूड के अंदर के प्रोटीन्स को सिंपल फॉर्म में ब्रेकडाउन कर देती है सो ये प्रोटीन ब्रेकडाउन में हेल्प करेंगी लाइपेज लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि किस चीज में हेल्प करता है फैट के डाउन में फैट डाउन में अमाइलेज हम देख चुके हैं सलाइवरी अमाइलेज के केस में तो आपको याद होना चाहिए डेफिनेटली किसको ब्रेक करने वाला है स्टार्च को स्टार्च को सिंपल शुगर में वगैरह में तोड़ेगा न्यूक्लियस देखिए नाम से ही पता चल रहा है एज मतलब नॉर्मली एक एंजाइम है आप देखिए लाइप अमाइलेज इसका मतलब है ये एक एंजाइम है न्यूक्लियस न्यूक्लियस से रिलेटेड है न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है डीएनए और आरएनए तो ये क्या करने वाला है डीएनए और आर एन ए का ब्रेक डाउन करने वाला है न्यूक्लियोटाइड में तो so किस चीज का ब्रेक डाउन करेगा डीएनए और आर एन ए का तो आप बेसिकली देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि ये सारे जूसेस कहां जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए क्या क्या टूट रहा है प्रोटीन टूट रहा है फैट टूट रहा है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है डीएनए और आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड्स टूट रहे हैं तो प्रैक्टिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में किस किस चीज की डाइजेशन हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चार ऑप्शंस दे, दे देंगे आपको प्रोटीन्स फैट स्टार्च डीएनए आर इन फैक्ट आंसर है ऑल ऑफ द सारे ही कहा टूटते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को कहते हैं साइट फॉर क्या कहते हैं उसे साइट फॉर complete digestion site for complete digestion चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं लिवर की बात करते हैं लिवर एक्चुअली क्या है क्या रिलीज करता है उसकी बात करते हैं लिवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ऑर्गन या लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सा होता है लिवर अगर मैं बताऊं अंदाजन इसका वेट कितना होता है तो ये अराउंड 1.2 से 1.5 पॉइंट तक का हो सकता है मेल्स और फीमेल्स में ये वेरी करता है ठीक है इसके अलावा लिवर डिवाइडेड होता है दो लोब्स में एक लेफ्ट लोब और एक राइट लोब सिंपल भाषा में बोला जाए तो लिवर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है किस में दो पार्ट्स में एक लेफ्ट पार्ट है आपका लिवर का और एक है राइट पार्ट इसके अलावा लिवर का फंक्शनल यूनिट क्या होता है देखिए लिवर में ना क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं इन्हें कहा जाता है हिपैटिक लोब्यूल तो आपका जो हिपैटिक लोब्यूल है ये क्या है क्लस्टर ऑफ सेल्स इसमें काफी सारे सेल्स इकट्ठा हुए हुए हैं उन सेल्स को क्या बोलेंगे नेचुरली हिपैटिक सेल्स ये हिपैटिक सेल्स इकट्ठा होके क्या बना रहे हैं आपका हिपैटिक लोब्यूल और ये जो हिपैटिक लोब्यूल है ये क्या है आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर है अब गोल ब्लैडर क्या है देखिए लिवर जो भी जूसेसिक करता है वो डायरेक्टली हम जानते हैं कहाँ नहीं जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में तभी जाएंगे जब जरूरत है उसमें खाना आएगा अब वो कहाँ स्टोर होंगे ये सिक्रीशंस ये सिक्रीशंस स्टोर होते हैं एक स्मॉल बैग लाइक सैक लाइक ऑर्गन में इसे कहते हैं गोल ब्लैडर तो गॉल ब्लैडर क्या करता है स्टोर करता है क्या सेक्रिेशंस ऑफ द लिवर मतलब लिवर जूसेस को ये स्टोर करता है बाइल जूसेस को ये स्टोर करता है आइए अब एक डायग्राम की मदद से देखते हैं कि आखिर लिवर के अंदर क्या चल रहा है लिवर और पैनक्रियास के डक्स स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे ओपन हो रहे हैं देख सकते हैं डायग्राम ऑफ द ह्यूमन लिवर ये ह्यूमन लिवर जो है हमने कहा दो लोब्स में डिवाइडेड होता है एक होता है आपका राइट right लोब तो ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करता है आपका राइट right लोब और ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करता है आपका लेफ्ट लोब एज एन योर लिवर हैज़ टू लोब्स दो लोब्स होते हैं हमने कहा लिवर से जुड़ा हुआ एक और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं कॉल ब्लैडर जो कि आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं ये गॉल ब्लैडर क्या स्टोर करता है बाइल जूसेस अगर मैं बात करूँ अब ये जो ग्रीन आप वेसल्स देख रहे हैं ये ग्रीन क्या है ये बेसिकली आपके लिवर के जो सेल्स हैं हिपैटिक सेल्स हैं जो लिवर जूसेस जो से कर रही है ये क्या है एक डक्ट है जो कि इसको ले के आ रहा है नीचे की तरफ तो ये सारे डक्ट्स को कहा जाता है हिपैटिक डक्ट इसे कहा जाता है हिपैटिक डक्ट और ये डक्ट जो कि गोल ब्लैडर से बाइल जूसेस को लेके आ रही है इसे कहा जाता है सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट आप देखेंगे नीचे की ओर मिलके एक कॉमन डक्ट बना रही हैं ये यहाँ से सिस्टिक डक्ट आई यहाँ से हिपैटिक डक्ट आई ये मिलके जो कॉमन डक्ट बना रही हैं इस डक्ट को कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट ये कॉमन बाइल डक्ट क्या करती है सारे बाइल जूसेस लिवर से लेके कहा जाती है पैनक्रियाज क्यूर अब पैनक्रियाज़ के डक्ट आएंगे लिवर के डक्ट मिल जाएंगे दोनों के जूसेस मिल के कहाँ रिलीज हो जाएंगे आपके इंटेस्टाइन में कंप्लीट पिक्चर कि आखिर क्या हो रहा है देखिए आप लिवर में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ये ऊपर वाले जो डक्ट्स आ रहे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके हिपैटिक डक्ट और ये वाला जो है ये वाला रिप्रेजेंट करता है आपका सिस्टिक डक्ट जो कि आपके गॉल ब्लैडर से लिंक्ड है और फिर ये जो नीचे दोनों कॉमन डक्ट आ रहे हैं इसे हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट अब इवेंचुअली आप देखो क्या हो रहा है ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना ये आपका रिप्रेजेंट करता है पैनक्रियास ये पैनक्रियास के अंदर जो ये डक्ट दिख रहा है ये क्या है इनफैक्ट ये है आपका पैनक्रियाटिक डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट क्या करेगा पैनक्रियास के जितने भी जूसेस हैं उनको एक जगह जमा करेगा आप नीचे देख सकते हो कि ये ग्रीन वाला डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट इनफैक्ट मर्ज हो रहे हैं सो so, ये क्या हो रहा है बेसिकली दिस इज योर कॉमन बाइल डक्ट प्लस योर पैनक्रियाटिक डक्ट ये दोनों मिल के कॉमन कहाँ रिलीज़ हो रहे हैं आपके इंटस्टाइन में और इस कॉमन डक्ट को कहा जाता है ही pancreatic duct हिपैटो पैनक्रियाटिक डट ये रिलीज कहाँ हो रहे हैं इस पोर्शन में आप जानते हैं ये स्टमक है स्टमक से लिंक्ड जो पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन होता है इस पोर्शन को हम कहा कहते हैं डुओ डेनम सो बेसिकली ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है डुओडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में अब आपके पैनक्रियाटिक जूसेस और बाइल जूसेस दोनों आ जाएंगे और क्या शुरू कर देंगे फूड का ब्रेक डाउन सो दिस वॉज़ एक्चुअली ऑल अबाउट योर स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट ग्लैंड और सिक्रीशन्स थे आइए अब देखते हैं और बात करते हैं अबाउट योर लार्ज इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन तो आप देखेंगे ये पोर्शन जिसको आप देख रहे हैं ये सब क्या है एक्चुअली आपका लार्ज इंटेस्टाइन ये लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ा हुआ होता है विद द स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली ये लास्ट पार्ट है ये आपके एलिमेंट्री कनाल का अगर स्मॉल इंटेस्टाइन आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था अराउंड सिक्स मीटर्स की होती है तो ये लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती होगी आप अज्यूम करेंगे कि उतनी ही होती होगी या थोड़ी बहुत कम होती होगी बट इन फैक्ट ये काफ़ी कम होती है इट इज़ ओनली 1.5 पॉइंट फाइव मीटर्स इन लेंथ आप देखो सिर्फ ये पोर्शन है जबकि स्मॉल इंटस्टाइन कितना कॉइल्ड है हाईली कॉइल्ड है इसीलिए इसकी लेंथ ज़्यादा होती है सो बेसिकली दिस इज़ 1.5 पॉइंट फाइव मीटर्स इन लेंथ आखिर इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं सबसे पहले आप देखिए ये जो रीजन है ऑफ द स्मॉल इंटस्टाइन इसे क्या कहते थे हम ईलियम एलियम कहाँ पे ओपन हो रहा है एक पोर्शन में ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम कहते हैं सीकम ये सीकम क्या होता है सीकम एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आपका जो भी खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से हो रहा है वो वेस्ट मटेरियल फीसेस के फॉर्म में जमा होना स्टार्ट हो जाता है ये सीकम का जो रोल है ये कैटल में मतलब आपके गाय वगैरह में बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे जहाँ वो घास खाते हैं उसके डाइजेशन में इस सीकम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है सीकम के नीचे आप ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे होंगे इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहा जाता है अपेंडिक्स क्या होता है अपेंडिक्स अपेंडिक्स को बोला जाता है एक वेस्टीजियल ऑर्गन वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है ऐसा ऑर्गन जो कि पहले हमारी बॉडी में कोई फंक्शन परफॉर्म करता था पर अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है देखिए अपेंडिक्स हमारे लिए अब ज़रूरी नहीं है पर जो कैटल वगैरह जिनको डाइजेशन करनी होती है सेल्यूलोर्स वगैरह की उनमें अभी भी अपेंडिक्स फंक्शनल होता है ये अपेंडिक्स आपने कहाँ सुना होगा कई बार आप कहते हैं ना पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है वो अपेंडिसाइटिस होता है इसी अपेंडिक्स के इन्फेक्शन को कहा जाता है अपेंडिसाइटिस चलिए अब वापस आते हैं अबाउट द लार्ज इंटस्टाइन अगर लार्ज इंटस्टाइन में अब हमने सीकम देख लिया इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है उसे कहा जाता है कोलून ये यहाँ से ऊपर जा रहा है इसीलिए इसे कहा जाता है असेंडिंग कोलून असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जाने वाला ये जो बीच का रीजन है इसे हम कहते हैं इनफैक्ट ट्रांसवर्स कोलोन ट्रांसवर्स कोलो जो ये नीचे की तरफ आ रहा है असेंडिंग है तो दूसरा क्या हो जाएगा नेचुरली डिसेंडिंग हो जाएगा ये हो गया आपका डिसेंडिंग कोलोन कोलोन का ये पोर्शन जो यहाँ पे मुड़ रहा है इसे कहा जाता है सिग्मोइड कोलोन सिग्मोइड कोलोन और ये सिग्मोइड कोलोन फाइनली लिंक्ड होता है एक स्ट्रक्चर से जिसे हम कहते हैं रेक्टम ये रेक्टम का क्या फंक्शन होता है ये रेक्टम इवेंचुअली आपके फेसेस को आपके वेस्ट मटेरियल को तब तक स्टोर करता है जब तक कि वो एनस से आप उसको बॉडी से रिलीज ना कर दे ये बात थी आपके लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर की अब लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है देखिए इसका मेन फंक्शन ये है कि यहाँ पे कोई डाइजेशन ऑफ फूड नहीं होता यहाँ पे कोई भी खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा सारा कहाँ डाइजेस्ट हो चुका है अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अब वो खाना आ गया है लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ उसमें जो भी बचा खुचा पानी था मिनरल्स थे वो क्या हो जाएंगे रीऑब्जॉर्ब और बाकी सारा सॉलिड मास की तरह बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा अगर हम वाटरी पीसेस पास करेंगे या वाटरी आपका वेस्ट बहुत वाटरी होगा तो आपको वाटर लॉस के खतरे मिनरल की कमी हो सकती है बॉडी में इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं वाटर को और जितने भी मिनरल्स हैं उनको क्या कर लेते हैं रीऑब्जॉर्ब रीऑब्जॉर्ब कहाँ से कर लेते हैं थ्रू दैट फ्लूइड जो कि यहाँ से जाएगा रीऑब्जॉर्ब होके एक सॉलिड मास आपके के थ्रू निकल जाएगा तो अब हम बात कर चुके हैं लार्ज इंटेस्टाइन की भी ये हमें लाता है टू द एंड ऑफ दिस वीडियो ऑन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आने वाली वीडियोस में हम कंटिन्यू करेंगे बात करना अबाउट डिफरेंट अदर ह्यूमन सिस्टम्स हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस की एक्सक्रीशन की और कई अदर सिस्टम्स की आप मुझे जरूर कमेंट्स में लिख के बताएं कि आप नेक्स्ट किस चीज पे वीडियो देखना चाहेंगे अगर आपके कोई सजेशंस हो या क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक like करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो डोंट फर्गेट टू मैसेज मी थैंक्स फॉर टुडे एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो